नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पे दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑन नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लाइव मार्केट के अपडेट चाहिए तो यहाँ फॉलो कर लो। अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो यहाँ फॉलो कर लो। और अगर कुछ रिसर्च चाहिए तो ना, इस संडे की प्राइवेट क्लास मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, जैसे रिकॉर्ड होती है मैं आपका शेयर कर दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो से। तो दोस्तों बात करते हैं न्यू रीजन शेयर के बारे में। मतलब ये वो स्टॉक है जिसने हमें आई थिंक अभी 180% के आसपास का गेन दे दिया है पेनी स्टॉक ने। अब बात करते हैं कि लेटेस्ट पेनी स्टॉक के बारे में जो अगला रीजन बन सकता है, मतलब आपको रिटर्न कमा के दे सकता है 8x की। तो 8x का टारगेट कैसे निकल के आता है, बहुत सिंपल है, द पावर ऑफ बुक वैल्यू, द पावर ऑफ सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, जिस स्टॉक की बुक वैल्यू हाई रहती है, स्टॉक को आप बाय करिए, अगले 2 से 3 साल तक एक प्राइस एक्शन जब बुल रन आता है तो ये स्टॉक वहां पर रिटेस्ट को करने जाता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 10 स्टॉक अगर आप पिक करोगे तो 8 तो टारगेट पक्का हिट कराएंगे आपके बुक वैल्यू के, 1-2 के आपके हो सकता है वो लॉन्ग टर्म तक साइडवेज चले जाए। ठीक है, हो सकता है एक आपका स्टॉप लॉस करवा दे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो पक्का आपको लगाना है पैनी स्टॉक में। नहीं लगाओगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक आप करोगे, मैं यही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पैसा गंवाना नहीं है, आपको यहाँ पर ट्रेड करना है पैनी स्टॉक्स में, और पैनी स्टॉक में ट्रेड का मतलब होता है 100% 200% का रिटर्न। ठीक है, जैसे हम पैनी स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, साथ में हम जैसे ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें आपका रिटर्न क्या होता है, 1% का स्टॉप लॉस, 2% का रिटर्न या फिर 1.5% का रिटर्न। यहाँ पर आपका 20-25% का स्टॉप लॉस होता है या 5-10% का स्टॉप लॉस होता है, रिटर्न आपका 40% 100% 200% का भी हुआ, 1000% का रिटर्न होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है जो हम ट्रेडिंग अप्लाई करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करना है आपको सीधा पैनी स्टॉक्स में, और आप देखोगे बहुत तगड़े वाले आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। राइट, आप देख सकते हो ये रीजेंट शेयर है, इसको अब स्पाइन ट्रेडर बोला जाता है। ₹1 स्टॉक ने ₹5 तक का हाई लगा दिया है। ठीक है, ये रिटर्न आपको दिख रही है, पर्सनली ये मेरे खुद के रिटर्न मुझे आ रही है, ₹1.60 आपको सजेस्ट किया था, बहुत अच्छा पैसा हमने कमाया, बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन अब स्टॉक को बाय नहीं करना है क्योंकि भाई भाग चुका है बहुत, यहाँ पर बहुत से लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो हम लोगों को फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो ये वो स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बढ़ते उस स्टॉक की तरफ जो इसकी तरह रिटर्न आपको देखे जा सकता है कुछ शॉर्ट टर्म में, मतलब हो सकता है 1 साल में दे दे, हो सकता है 6 महीने में दे दे, हो सकता है 10 दिन में दे दे। अब इसके बारे में कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता कि कितने टाइम में वो टारगेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर जब तक हमारे प्राइस के ऊपर ट्रेड करा, हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम लोग पढ़ सकते हैं, यूनी शेयर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड करके है, चाहो तो मैं इसका कोड नीचे डाल दूंगा, आप पढ़ लेना नाम से। 1991 कंपनी को फाउंड किया गया था, लाभ देख सकते हो स्टॉक का जो बुक वैल्यू 8 रुपए के आसपास, जैसे मैंने बोला ना जो बुक वैल्यू है द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक वैल्यू, तो ये स्टॉक के टारगेट हमारे हमेशा होते हैं। अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो स्टॉक को आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो 101%, मतलब इस प्राइस में एक्यूमुलेट करो, टारगेट आपके एटलीस्ट ये रहेंगे। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, प्लस छोटी प्रमोटर्स की 0 है, 0 है। ठीक है, और साथ में नीचे लेके चलता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है, डेट रिड्यूस कर रही है कंपनी, फाइनेंस कंपनी का सेक्टर का स्टॉक है। बाकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट इतने शानदार नहीं होंगे, जैसे मैंने बोला ना पैनी स्टॉक्स में प्रॉफिट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, अगर दिखने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक, उसको मानता हूं मैं, उसको आप बाय कर सकते हैं। प्रमोटर्स को नहीं देखो, लगातार डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो स्टॉक को क्या बाय करना चाहिए, हाँ भाई 19% का यहाँ पर स्टेक हमें देखने को मिलता है, लेकिन 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 जब पब्लिक में क्लिक करते हो तो आपको कुछ हिडन प्रमोटर्स दिखते हैं। देखो यहाँ पर इसकी पहले होल्डिंग 0 थी, बढ़ के 4 हो गई। ठीक है, तो ये सब हिडन प्रमोटर्स जो लगातार अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉक में, इन सबको अगर आप एड ऑन करोगे तो यू विल सी द मैजिक की स्टॉक में यार मोर देन आई थिंक कितनी प्रमोटर 90% है ना, आपको 35 से 40% सिर्फ हिडन प्रमोटर स्टॉक में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, और साथ में स्टॉक का प्राइस एक्शन भी आपको दिखलाता हूँ तो आप बने रह सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक का नाम आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसका कोड भी आई थिंक यही है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो स्टॉक का यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, तो स्टॉक को चाहो तो इसी बॉक्स में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पर इसने बनाया एक बॉटम, फिर एक दोबारा सपोर्ट लिया, अब तीसरा बार सपोर्ट स्टॉक यहीं ले रहा है, तो यहाँ इस रेंज में स्टॉक को आप बाय कर सकते हो आराम से। तो ये स्टॉक आराम से आपको जो लास्ट स्विंग है इसको तोड़ते हुए नजर आएगा, मतलब स्टॉक यहाँ से आपको आराम से मेरे हिसाब से 8 रुपए के टारगेट तो इमीडिएट दिखाएगा, तो 8 रुपए के टारगेट के लिए आप पक्का स्टॉक को बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात और समझ मुझे नजर नहीं आती, यहाँ पर आप बाय करिए। अगर स्टॉक आपको 1.17 मिलता है, 1.16 मिलता है तो स्टॉक को पक्का आपको एवरेज करना, यही मेरा व्यू है स्टॉक के बारे में। राइट, तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो से, तो बाय बाय, टेक केयर।